हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू और स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का। तो आज थर्मोडायनामिक्स का PYQ सेशन लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग थर्मोडायनामिक्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का बेनिफिट क्या है, क्योंकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में थर्मो में कौन सा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। इससे क्या हुआ कि आपको उस टॉपिक पे फोकस ज्यादा करने को टाइम मिलेगा या आप उसको ज्यादा फोकस कर सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और बात करते हैं, इस क्वेश्चन सीरीज में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आपको उसका आंसर या सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सो चलिए, ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरे साथ आप इसका आंसर शेयर कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 bar द वर्क डन इन किलो जूलीज, यही पूछ रहा है आपसे, राइट। तो आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कौन जो वर्क डन का होता है W इक्वल टू माइनस पी डेल वी, जिसको क्या ले सकते हैं माइनस पी इंटू वी टू माइनस वी वन, राइट। ये किसका होता है, एक्सपेंशन का होता है फॉर्मूला, आपको पता होगा। ये यहाँ पे सिंपल पुट करना है, ये क्वेश्चन काफी ईजी था, बस थोड़ा यूनिट कन्वर्जन है, यही है। अब देखिए माइनस 1 bar इंटू वी टू 10 लीटर माइनस 1 लीटर हो जाएगा आपका माइनस 9 liter bar हो गया। अब 1 liter bar इक्वल टू होता है 100 joule, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, वर्क डन इन किलो जूल में पूछा है। तो 1 liter bar इक्वल टू 100 joule, अगर इसको किलो जूल में करना हो तो ये लिखेंगे 1 liter bar इक्वल टू 0.1 kilojoule। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 9 इंटू 0.1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.9 kilojoule, यहाँ पे जे है ठीक किलो जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब पहले इसमें एक और देख लीजिए, यहाँ आप देखे कि यहाँ पर आपको ये तो आना जरूरी है ही है, साथ में आपको यूनिट कन्वर्जन भी पता होना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन। इससे क्या होगा, देखिए कि आपको बता दें कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा टॉपिक जिसमें आपको यूनिट कन्वर्जन में भी फंसा देता है, आपको ये पता है ठीक है मान लीजिए, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता है कि 1 liter bar इक्वल टू कितना जूल होता है, तब तक आप वहाँ पे सही आंसर के पास नहीं जा पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले इसको आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्या बोला सर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दिया हुआ है, when the combustion of 1 mole of heptane liquid is carried out at a temperature T is equal to, बस सिंपल पूछा क्या है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का डिफरेंस पूछा है कितना होगा। तो इससे पहले आपको बता दें कि इसका एक फॉर्मूला हमको पता है क्या, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ये पता है हमको। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं डेल्टा यू, तो इसको अगर यहाँ पे ले आते तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू एन जी आर टी। अब यहाँ पे ये गैस का, तो यहाँ पे जो रिएक्शन दिया वो वन मोल ऑफ हेप्टेन। अब इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम वन मोल मतलब हो जाएगा आपका सी सेवन
H16 प्लस O2 गिब्स। आपको पता है ना कि क्या देता है इसका प्रोडक्ट, वाटर प्लस CO2। ये गैस है, ये लिक्विड है, O2 गैस है और यहाँ पे आपका ये लिक्विड है। अब इसको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक तरीका होता है, आप उसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तरीका क्या होता है, CH(H)Y प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 4 O2 गिव्स हो जाएगा आपका वाई बाई 2H2O प्लस XCO2। ये हो जाएगा। करना क्या है, यहाँ पे x कितना है आपका 7, y कितना है आपका 16, बस यहाँ पे आपको ये पुट करना है। तो अगर इसको बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे, x कितना है 7 प्लस 16, यहाँ पे लिखिए 7 प्लस 16 अपॉन 4 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11 और 2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका y बाई 2, तो y कितना है आपका 16, y बाई 2 मतलब 8 हो गया, और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 डाल सकते हैं, 7 बैलेंस हो गया। मतलब थोड़ा सा इसको हम साफ से अगर लिखे, देखिए अब इसको तो साफ से लिखे हम, समझ गया ना, इतना आपका 11 और 2 हो गया। ये तो गैस है, अब डेल्टा एनजी निकालना है इसका, डेल्टा एनजी निकालना। डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा, देखिए ये लिक्विड है, लिक्विड है, इसको तो छोड़ ही दीजिए आप, अब गैस, तो क्या लिखते हैं, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना है आपका गैस का 7, माइनस कितना है रिएक्टेंट 11, आपका हो जाएगा -4, राइट। ये समझ में आ गया ना, तो एनजी कितना आ गया -4, तो हो जाएगा आपका -4 RT, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, राइट। समझ में आया, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये वाला। आप मिलाते रहिए और हमको बताते रहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, बोल रहा है कि एक प्रोसेस है जो कोई भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन आता है स्पॉन्टेनियस का क्वेश्चन, आपको बताते हैं यहाँ पे एक चीज, थोड़ा सा आपको देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये क्वेश्चन इसी सॉल्व होने वाला है, ठीक। अब देखिए ये जो फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिए इसको, ये आपका थर्मो में तो पढ़ना ही पढ़ना है, थर्मो में, ये आपका इक्विलिब्रियम में भी पढ़ना है, और ये आपका जानते किसमें पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना है, और इसमें हम पढ़ाए भी थे आप लोग, उसके बाद आपका केमिकल काइनेटिक में भी पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक में भी पढ़ना है। इस चारों चैप्टर में आपको एक और सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, आइडियल कंडीशन के लिए डेल्टा एच डेल्टा एस जो वहाँ पे है, सॉल्यूशन चैप्टर में, मतलब इस सारे चैप्टर में आपको इसका यूज हो रहा है। सोचिए ये कोई भी चैप्टर के बहाने इससे क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब यह एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ओके। तो देखिए यहाँ बोला है स्पॉन्टेनियस, तो आपको पता है स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव, निगेटिव होगा। तो टेम्परेचर बोला एट ऑल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम लोग क्या यहाँ पे मान के चलते हैं कॉन्स्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ओवरऑल निगेटिव चाहिए, और हमको यहाँ पे निगेटिव चाहिए, तो देखिए इक्वल है निगेटिव चाहिए, तो अगर डेल्टा एच को निगेटिव रखे, क्या रखे, निगेटिव रखे, और डेल्टा एस को क्या रखे, पॉजिटिव रखे, इसको दूसरा टर्म ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एच लेस देन जीरो, इसको क्या बोल सकते हैं दूसरा टर्म में, डेल्टा यहाँ एस होगा, यहाँ पे डेल्टा एस,
डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव, तो यहाँ पे देखिए पुट करते हैं निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, और यहाँ पे क्या है इंटू प्लस, तो निगेटिव यहाँ पे माइनस है, मतलब ऐसे सोच सकते हैं निगेटिव माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा निगेटिव टर्म ही आएगा। हाँ तो ये कोई भी टेम्परेचर के लिए पॉसिबल है ना, मतलब डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है पकड़िए उसको टिक मारिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक देयर विल बी द राइट आंसर, और यही है भी। समझ में आया, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और बताइए। देखिए बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, ये फोर्थ है। द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इज गिवन बाय डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी टी। वही क्वेश्चन आ गया फिर उसी टाइप का। अब देखिए यहाँ पर वो करना क्या है, देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना। अब यहाँ पे डेल्टा जी और यहाँ इससे तक इसको कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पे लिया हुआ डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट लगाइए नॉट और नॉट इक्वल टू ए माइनस बी और यहाँ पे टी। तो टी के ऊपर क्या है टेम्परेचर, एक बार क्या है एक जगह पर आपका है सॉरी डेल्टा एच नॉट और बी के ऊपर क्या है आपका डेल्टा एस नॉट राइट। ये है, अब आपको करना है क्या इंडोथर्मी, डेल्टा ए है, ए क्या ए यहाँ पे देखिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ए मिस क्या डेल्टा एच, और डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा तो कभी इंडोथर्मिक होगा क्या इकोथर्मिक होगा, क्या होगा आपका इक्सोथर्मिक होगा, तो प्लस में तो ऐसे ही कट गया। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ इस फॉर्मूला में आपका सिर्फ डेल्टा एच ही नहीं है डेल्टा एस भी है, तो ये जो रिएक्शन है ये जो ये सारा काम इस पे करेगा इस वाले पे डेल्टा जी। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही कट गया कि डेल्टा एच क्या है आपका लेस देन जीरो बोला इंडोथर्मिक, तो कभी होगा नहीं। दूसरा एक्सोथर्मिक इफ बी, बी बोले तो एंट्रोपी डेल्टा जी इक्वल टू क्या है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। देखिए एक चीज आप और ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे हम ये बार बार इसे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी टी को हम ये मान चुके हैं राइट। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो ये बोल रहा है आप ये लिख रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इसे इसको कंफ्यूजन कीजिए। एक जगह क्या है डेल्टा एच नॉट और बी की जगह पर डेल्टा एस नॉट ओके। सो यहाँ पर देखिए तो बी ऑप्शन में देखा जाए तो लेस देन जीरो, मतलब यहाँ पे डेल्टा एस जो है निगेटिव है, ये हो गया बी ऑप्शन में। अब थोड़ा सी ऑप्शन में थोड़ा देख लेते हैं क्या है, सी में बोल रहा है क्या कि ए बोले तो देखिए ए यहाँ पे पहले ही बता रहा है ए अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा इंडो होगा ना, यहाँ पे क्या लिखा इक्जो। तो ये फर्स्ट और थर्ड नंबर ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया और बचा फोर्थ नंबर। तो डेल्टा क्या यहाँ पे ए है, ए बोले तो डेल्टा एच, तो डेल्टा एच यहाँ पे आपका ये थर्ड नहीं था ये आपका फोर्थ है, यहाँ पे ये थर्ड है राइट। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे आपका इंडो तो होगा, बिल्कुल सही बात है इंडोथर्मिक होगा, लेकिन इंडोथर्मिक तो होगा लेकिन यहाँ पे डेल्टा जी भी है और डेल्टा एच भी है, और यहाँ पे मतलब कहीं भी डेल्टा एच अगर क्या बोलते हैं डेल्टा एच अगर लेस देन जीरो है इसका मतलब वो नहीं कि रिएक्शन खुद हो जाएगा, नहीं वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो बात करते हैं कि एक जो इंडोथर्मिक वो आपका डेल्टा जी बताएगा, डेल्टा जी बताएगा, ये डेल्टा जी बताएगा ठीक है। तो देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ तो यहाँ तक समझ में आ गया फर्स्ट नहीं होगा, नहीं फर्स्ट होगा नहीं थर्ड होगा बी और सी में, तो सी तो हो गया लेकिन सिर्फ सी ही कंडीशन सफिशियंट नहीं है इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, ये सही है लेकिन सिर्फ यही कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे ए भी है और बी भी है मतलब डेल्टा एच भी है और डेल्टा एस भी है राइट। तो देखिए बी में
यहाँ बी में देखा जाए तो बी में आपका है, तो यहाँ पे डेल्टा जी इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस बी, बी मतलब डेल्टा एस, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, निगेटिव है तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, और टी डेल्टा एस, ये हो गया। अब देखिए डेल्टा जी अगर यहाँ पे हाई होगा, हाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक बोलेंगे, सॉरी निगेटिव में होगा, ज़्यादा निगेटिव होगा तब, तो मतलब जितना ज़्यादा होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि अगर आपका यहाँ पर यहाँ पे अगर डेल्टा एच हाई होगा निगेटिव में, निगेटिव मतलब सबसे कम होगा, तो घट के क्या ओवरऑल निगेटिव आएगा, तो इसका तो आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, बी। ये सही है, लेकिन ये सही इसलिए नहीं कि सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक्स गिव्स वाई, द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर टी इन केल्विन, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 120 माइनस 3/8 टी, द मेजर प्रोडक्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट टी इज, ये बताना है आपको। देखिए अभी आपको हम बताया कि डेल्टा जी, ध्यान देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक रिलेशन दिया हुआ, इसके जब हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा जी जो दिया हुआ है, डेल्टा जी जो है मेरा वो यहाँ पे आप बोल सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और इससे इसको अगर कंपेरिजन करते हैं तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या लिया हुआ है, 120 माइनस 3/8 राइट, यहाँ पे डेल्टा एच कितना है आपका 120, और डेल्टा एस कितना 3/8, अब ये बोल सकते हैं राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको पता है कि अगर ये रिएक्शन क्या है एक्स से वाई जा रहा है, इस तरीके से, ये अगर डेल्टा जी निगेटिव होता है मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। अगर डेल्टा जी निगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है ये जाएगा बैक, या बोल सकते हैं या नो रिएक्शन, जो शुरू में वही का वही रह जाएगा नो रिएक्शन, हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर देंगे तब जाएगा, लेकिन अगर डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है मतलब वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा या उसको पुश करना पड़ेगा राइट, बैकवर्ड जाएगा या नो रिएक्शन बोल सकते हैं राइट। यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे ये आपको चेक क्या करना है कि किसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसके लिए हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या बोला है मेजर कंपोनेंट, पॉजिटिव होगा तो मेजर कंपोनेंट हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, और निगेटिव हुआ आपका मेजर कंपोनेंट हो जाएगा वाई, बस इसमें करना है क्या, यहाँ पे टी आपको पुट करना है राइट, जिसका डेल्टा जी निगेटिव है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट का हम लिख सकते हैं, फर्स्ट का डेल्टा जी इक्वल टू 120 माइनस 3/8 इंटू 280 राइट। अब यहाँ पे देखिए तो 8 से कितना कटेगा, 8 3 35 हो जाएगा यहाँ पे टोटल, 120 माइनस 35 इंटू 3 कितना, 105 आपका कितना आ गया, 15 आ गया मतलब 15, तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया मतलब कौन कौन मेजर होगा, एक्स मेजर होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है वाई मेजर बोल रहा है, वाई मेजर तो ये नहीं होगा राइट। तो आपको बस यही चेक करना है, ये तो कट गया, आप इसका भी चेक कीजिए, इसका भी चेक कीजिए, इसका भी चेक कीजिए, एक आपको जो चेक करने के बाद आया, लेकिन आपको बता दें आंसर, इसका आंसर इतना, सी इज द राइट आंसर, सी राइट आंसर है राइट। तो कैसे करना है, बस यही करना है क्या आपको, बस पुट करना है डेल्टा जी और टी रखना है, अगर डेल्टा जी निगेटिव आ गया, तो वाई, और अगर पॉजिटिव आता है तो एक्स। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके थैंक यू सो मच।